Hello everyone, welcome in environmental studies class. In this class you will able to study about different types of families. Changing families means जब आप छोटे होते हो, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो और बड़े हो रहे हो और बड़े हो रहे हो, इसमें आप कितने सारे changing देख रहे हैं फैमिलीज़ में. कभी आपका छोटा भाई होता है, नया न्यू बेबी बर्थ होता है, न्यू मैरिड होती है, कोई ज़्यादा एज होने के बाद बीमारी से किसी की डेथ हो जाती है, तो कितने सारे चेंजिंग आपके फैमिली में आते रहते हैं. कभी वन प्लेस से दूसरे प्लेस आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, फादर वन प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते हैं, मदर का ट्रांसफ़र हो जाता है तो मदर वन प्लेस से दूसरे प्लेस अपना वर्क करने के लिए चले जाते हैं. आपको अपने दादाजी दादी माँ उन लोगों के पास रह के वर्क करना पड़ता है. कभी आप उनके साथ में चले जाते हो तो आपका पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है. आपका फैमिली, आपके एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, आपके पीयर्स ग्रुप, ऑल चेंज ऑन द चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग फैमिलीज. तो धीरे धीरे बदलाव होता रहता है और यही विकास का नियम है. चेंजिंग, परिवर्तन ही विकास का नियम है. तो परिवर्तन आपका हमेशा होता रहा. आज आते हैं, फिर कल देख रहे हैं, कल थोड़ा सा चेंजिंग हो गया. कभी आपका कोई पार्टी हुई तो फैमिली में चेंजिंग आ गई. तो फैमिली में कितने प्रकार की चेंजिंग हो रही है. कभी बर्थ होने पर न्यू बेबी बोर्न होता है तो आपके फैमिली मेंबर बढ़ जाते हैं. बेबी के अलावा अगर न्यू मैरिड होती है ब्रदर की, अंकल की, तो आंटी आती हैं, भाभी आती हैं, आपके एक मेंबर और बढ़ जाता है. इस तरह से आपके चेंजिंग फैमिलीज में मेंबर बढ़ते रहते हैं. कभी आपके मेंबर घट भी जाते हैं. कब? जब किसी को ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी को डेथ, किसी की डेथ हो जाती है या किसी की बीमारी की वजह से वो गुजर जाते हैं तो क्या होता है, आपकी फैमिली से फैमिली मेंबर कम हो जाते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट निम्मी. आपको हम इस चैप्टर में निम्मी की फैमिली के विषय में बताएंगे कि निम्मी की फैमिली में क्या हो रहा है. न्यू बेबी बॉर्न हो रही है. न्यू बेबी बॉर्न होगी तो क्या होगा. इसके बाद सेरिंग की फैमिली में फादर का प्रमोशन आ गया है. फादर ट्रांसफ़र वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, निम्मी, सेरिंग और नाजल की फैमिली में एल्डर ब्रदर मैरिज, इनके यहाँ मैरिज पार्टी है. तो इसमें क्या चेंजिंग होगी इनकी फैमिली में. वन मेंबर कम एंड वन मेंबर गो टू अनदर प्लेस. सो डिफरेंट चेंजेस कम्स इन योर फैमिली. चेंजिंग टाइमिंग, चेंजिंग फैमिली. समय बदल रहा है, फैमिली भी चेंज होती जा रही है. अगर वो वर्क करने बाहर नहीं जाएंगे तब भी आपको घर में रह करके वर्क करने में प्रॉब्लम होती है. तो अगर जॉइंट फैमिली है, एक फैमिली मेंबर बाहर वर्क कर रहा है, दूसरा फैमिली घर में रहता है, तो इससे एडजस्टमेंट भी रहता है. तो चेंजिंग फैमिलीज होना ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द समरी. इन द समरी वी विल स्टडी अबाउट द थ्री फैमिली मेंबर. फर्स्ट इज द निम्मी फैमिली, सेकेंड इज सेरिंग फैमिली, सेरिंग फैमिली एंड थर्ड इज द नाजल फैमिली, नाजल्स फैमिली. थ्री फैमिली मेंबर निम्मी फैमिली, सेरिंग फैमिली, नाजली फैमिली
have different changes due to some reason. कुछ रीज़न के कारण इनकी फैमिली में कुछ चेंजिंग आती है. कौन सी चेंजिंग आती होगी? फर्स्ट इज़ द शेयरिंग फैमिली एक्साइटेड बिकॉज न्यू बेबी बॉर्न इन दिस फैमिली. इनकी फैमिली में एक बेबी बॉर्न हो गई है तो ये लोग बहुत एक्साइटेड है. इन द निम्मी फैमिली excited because new baby born in this family. Sharing family excited her father किसी दूसरे सिटी के लिए इनके पिताजी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है. एंड द थर्ड इज़ द नाज़लीज़ फैमिली. ओके, नाज़लीज़ फैमिली एक्साइटेड due to marriage of brother okay. तो इसमें चेंजिंग क्या क्या हुई? किसी की फैमिली में जैसे निम्मी की फैमिली है उसमें न्यू बेबी आ रही है. शेयरिंग की फैमिली है तो उसमें आपके फादर का एक ट्रांसफ़र हो रहा है. नाज़ली फैमिली है तो उनके ब्रदर की मैरिज हो रही है. तो अब जब इतने सारे वर्क होंगे तो कुछ ना कुछ तो आपके फैमिली में चेंजेस आएंगे. व्हाट चेंजेस ऑकर इन दिस फैमिली वी विल स्टडी. लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन इज which festival we celebrate in आप लिस्ट बनाओगे in home and in school. which festival you celebrate in school and which festival you celebrate at home. in home you celebrate Diwali, Holi, दशहरा आने वाला है, दशहरा के एंड पोंगल, बिहू. दिस इज सम फेस्टिवल पीपल सेलिब्रेट. इन द स्कूल वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ओके. सो दिस इज़ द नेशनल फेस्टिवल वी सेलिब्रेट एट स्कूल. दिस फेस्टिवल वी सेलिब्रेट एट होम.
some festival you celebrate, then you meet your friends and relatives. तो कौन से ऐसे occasion हैं जिसमें आप अपने friends से अपने festival में मिलते हो, अपने relatives से मिलते हो, किस किस occasion में आप मिलते हो उनसे. So let's start the questions. Question is, write various occasion when you get a chance, when you get a chance to meet your cousins and relatives ऐसे कौन से अकेजन होते हैं जब आप अपने कजिन से मिलते हो, अपने रिलेटिव से मिलते हो. द आंसर इज मैरिज पार्टी. मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी, फेस्टिवल्स. There are some occasion when you meet your cousins and relatives. So, which festival which circumstances change your family? ऐसा कौन सा सर कौन सा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कौन सा ऐसा रीजन हो जाता है जिससे हमारी फैमिली में चेंजिंग आ ही जाती है. द आंसर इज कब कब आपकी फैमिली में चेंजिंग आती है. व्हेन न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बर्थ और डेथ और मैरिज, ये आपके कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जब आपकी फैमिली में चेंजिंग आती ही है, मेंटली फिजिकली. दिस इज़ द रीजन फॉर चेंजिंग योर फैमिलीज. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड आंसर. योर चैप्टर डिपेंड ऑन द थ्री फैमिलीज, निमी फैमिली, सेरिंग फैमिली एंड नाजलीज फैमिली. सो यू रीड द बुक एंड एनी क्वेरीज यू मस्ट आस्क question in WhatsApp group. Thank you. Have a great day.